हेलो फ्रेंड्स, न्यू आईटीआर फॉर्म 2023-24 के लिए मींस जो 31 जुलाई 2023 को आप आईटीआर फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, उसके लिए जो आईटीआर फॉर्म्स है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। वैसे तो जनरली क्या होता है कि अप्रैल मंथ में जाकर जो है ये रिलीज़ किए जाते थे आईटीआर फॉर्म, और फिर मई में जाकर अपनी आईटीआर जो है आप फाइल करना शुरू करते थे। बट इस बार क्या है कि फरवरी के अंदर ही जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं आईटीआर फॉर्म डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आप मान के चलिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से जो है यूटिलिटी भी अवेलेबल हो जाएंगी और आपकी आईटीआर फाइलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों एक जो सबसे बड़ा चेंज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो करूंगा मैं क्रिप्टो और वीडियो ट्रांजेक्शन को लेकर। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई आपने ट्रांजेक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर, या वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर कोई जो है आपने ट्रांजेक्शन किया है, तो उसको लेकर जो है आईटीआर फॉर्म में एक बहुत बड़ा चेंज है। वैसे तो कई फॉर्म्स के अंदर चेंज किए गए हैं बट वो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चेंज नहीं है। तो क्रिप्टो को लेकर जो है मैं इसके अंदर आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम वो चेंज देख लेते हैं क्या आया है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए गूगल क्रोम में जब आप जाएंगे दोस्तों, तो गूगल क्रोम में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ टाइप करेंगे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टाइप कर दीजिए, और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इस तरीके से आपको देखिए एक पेज नज़र आ जाएगा। तो यहाँ जैसे ही आप फॉर्म डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ITR 1 का ये जो फॉर्म नज़र आ जाएगा, इसी तरीके से ITR 2 का फॉर्म नज़र आ जाएगा। तो देखिए जो ITR 2 का फॉर्म है यही आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है अगर आप क्रिप्टो में डील करते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। आपको इस तरीके से देखिए ITR 2 फॉर्म नज़र आ जाएगा। तो देखिए इसको मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, तो देखिए जब आप 10 नंबर पेज पे आएंगे दोस्तों, तो ये 34 पेजेस का है ये पूरा ITR 2 फॉर्म। तो इसमें जब आप 10th पेज पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर एक कॉलम जो है कर दिया गया है इंसर्ट, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो पहले क्या था कि जो पिछले साल आपने ITR फाइल की होगी तो उस टाइम जो है लोगों को बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न बना हुआ था कि हमें जो है ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है या क्रिप्टो है इससे जो भी हमें कैपिटल गेन हुआ है तो वो हमें कहाँ शो करना है। तो अब इस तरीके से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहने वाली नहीं है, क्योंकि अब आपकी ITR 2 के अंदर ही जो है एक सेपरेट कॉलम दे दिया गया है आपको इससे रिलेटेड। तो उसी तरीके से जब आप इसको और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 11 नंबर पेज पे देखिए दोस्तों जब आप आएंगे तो यहां पर भी देखिए यहां बताया गया है कि जो भी कैपिटल गेन होगा आपको क्रिप्टो के ऊपर वीडीए के ऊपर, तो उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 30% टैक्स जो है आपसे ले लिया जाएगा। फर्दर जब आप 13 नंबर पेज पर आएंगे देखिए दोस्तों, तो यहां पर देखिए पूरी ही डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। तो यहां देखिए सबसे पहले सपोज करें अगर आपके पास 2 कॉइन थे, एक एक्स कॉइन था एक वाई कॉइन था, तो यहां आप उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन दे देंगे दोनों की, डेट ऑफ ट्रांसफर दे देंगे किस तारीख को आपने सेल किया, अंडर विच इनकम टू बी टैक्स्ड। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है ये आपका कैपिटल गेन मान लिया जाएगा, जैसे आप म्यूचुअल फंड सेल करते हैं प्रॉफिट के ऊपर या कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो इसी तरीके दोस्तों इसको भी कैपिटल गेन ही माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, कितने में आपने परचेज़ किया। सपोज़ यहाँ पे आपने कोयन जो परचेज़ किया दोस्तों वो 1 लाख रुपीज़ का परचेज़ किया, और आपने जो इसको सेल किया वो सेल किया सपोज़ करें 2 लाख रुपीज़ का, और एक कोयन और था आपके पास 1 लाख रुपीज़ का, वो सपोज़ आपने परचेज़ किया था 1 लाख का और आपने यहाँ पर सेल किया था उसको 50,000 रुपीज़ का। दो कंडीशन में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो जो आपने 1 लाख का परचेज़ किया था और 2 लाख का सेल किया दोस्तों आपने, तो यहाँ पर तो देखिए इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वीडीए, तो जो आपने क्रिप्टो सेल किया उसको ट्रांसफर करने से क्या इनकम हुई आपको, मींस क्या प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर तो आपको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। बट ये दूसरा केस था यहाँ पर आपने जो 1 लाख का खरीदा था क्रिप्टो वाई वो आपने 50,000 में सेल किया, तो यहाँ पर आपको जो है -50 का जो है लॉस हो गया। तो देखिए क्या होता है जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर डील करते हैं या शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ तो क्या होता कि आपका 1 लाख -50,000 जो आपका 50,000 का प्रॉफिट होता उसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता। बट क्रिप्टो के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्रिप्टो के अंदर क्या है कि जो आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% पे करना पड़ेगा, और जो लॉस है उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है सट ऑफ का, जैसा कि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर मिलता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, और इस तरीके से ही आपको अपना जो ट्रांजेक्शन है डिजिटल एसेट का वो दिखाना पड़ेगा। और फाइनली मैं अगर मैं नीचे आता हूँ तो देखिए सारे ही रेट ये दिखाए हुए हैं पेज नंबर 21 पे। तो यहाँ पर आपका सेक्शन 115BBH जो है वो डील करेगा इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वीडीए से वर्चुअल डिजिटल एसेट से, तो यहाँ बताया गया है कि 30% टैक्स जो है आपको पे करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से अगर आपने भी ट्रांजेक्शन किए हैं वर्चुअल एसेट्स के अंदर, तो इस तरीके से आप ITR 2 फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर जो है इसको दिखा देंगे। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा फॉर्म्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ITR 1 होता है, ITR 2 होता है, ITR 3 और ITR 4, 4 तरीके के फॉर्म जो है आपके पास होते हैं अगर आप एक इंडिविजुअल हैं। तो ITR 1 तो जनरली आपके द्वारा फाइल किया जाता है या चूज़ किया जाता है अगर आपकी कोई सैलरी से इनकम है, पेंशन से इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी से है, कोई इंटरेस्ट की इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 तक, और सारे ही इनकम मिला के आपकी जो टोटल इनकम है दोस्तों वो 50 लाख रुपीज़ से
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आप आई टी आर वन फॉर्म यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से आई टी आर टू फॉर्म के बारे में बोला जाता है कि फॉर इंडिविजुअल एंड एच यू एफ नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम पी जी बी पी, मीन्स अगर आपकी बिजनेस से कोई इनकम नहीं है तो दोस्तों आई टी आर टू सिंपली अगर मैं बात बोलूँ, अगर आपका कैपिटल गेन की इनकम आ जाती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, मीन्स आपने म्यूचुअल फंड सेल किए हो, शेयर मार्केट में आपने कोई शेयर सेल किए हो, या क्रिप्टो सेल की हो, या वर्चुअल डिजिटल एसेट सेल किए, तो इन केसेस में अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो आपको आई टी आर टू सिलेक्ट करना है। और उसके साथ आपकी इवन ये वाली इनकम भी हो सकती है, कोई सैलरी हो सकती है, पेंशन हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम हो सकती है। अगर उस इन इनकम के साथ अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम भी है तो आपको आई टी आर वन फाइल नहीं करना है, उस केस में आपको आई टी आर टू फाइल करना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए दोस्तों आई टी आर थ्री होता है, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, जैसे कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं शेयर मार्केट के अंदर या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो आपकी बिजनेस इनकम कहलाती है, तो वो आपके लिए आई टी आर थ्री एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी तरीके से आई टी आर फोर देखिए दोस्तों, आई टी आर फोर भी 50 लाख तक की इनकम के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, जैसा कि ये कह रहा है कि, तो इसमें भी देखिए आपकी यहाँ पर 44AD और 44ADA जो होता है इन सेक्शंस के लिए यूज़ होता है। मीन्स अगर आपका जो बिजनेस है और आप बिजनेस करते हैं 2 करोड़ से ज़्यादा का आपकी सेल नहीं है, और इसी तरीके से आप प्रोफेशनल है और आप 50 लाख से ज़्यादा की आपकी ग्रॉस रिसिप्ट नहीं है, तो आप आई टी आर फोर फाइल कर सकते हैं। तो देखिए छोटा सा वीडियो था दोस्तों ये न्यू फॉर्म्स को लेकर, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।